हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ट्राई डॉग फैमिली में आप सबका स्वागत है, और जो जो नया चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दो। तो आज भाई मैंने इसके वैक्सीनेशन लगवाई है, ये 31 डेज का हो चुका है। तो इसके एक वैक्सीनेशन अभी लगवाई थी, 31 का आज हो गया है, कल 12 तारीख थी, हाँ ये 30 डेज का हो चुका था। तो हमने इसके वैक्सीनेशन लगवा दिया है, हमारे इधर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसी से लगवाई है इसके वैक्सीनेशन। और क्या बोलते हैं, उन्होंने इसकी डिवॉर्मिंग की भी, बोलते हैं कि इसकी डिवॉर्मिंग अभी तक क्यों नहीं कराई, और हमें पता नहीं था। तो हमने इसकी वैक्सीनेशन तो करा दिया है, बाकी आज बहुत ज़्यादा थक गया ये, मतलब ज़्यादा भोग भाग बिन रहा, आते ही सो गया था, बहुत ज़्यादा बाहर धूप थी और स्कूटी पर हम वैसे ही लेके गए थे, बहुत ज़्यादा हाँफने लग गया था। और तो उसके बाद हमने एक चीज़ और ख़रीदी इसके लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसके लिए ये ख़रीदी थी निप्पल, इसमें दूध पीते बच्चे, ये छोटी वाली, ये मैंने 100 रुपये तकरीबन की आई थी, ये DIY से लिया है, 100 रुपये तकरीबन की आई है। इससे मैं इसे पानी पिलाया था जब ये आया था, बहुत ज़्यादा आफरा था। तो एक ये है, अगर आप अपने डॉग के लिए लेना चाहते हैं तो ये ले लो भाई, इसके साथ काफ़ी सारी वो पिलाने वाली जो निप्पल्स होती है वो काफ़ी सारी, और साफ़ करने वाला भी है, सही है यार 100 रुपये में यार। और एक चीज़ और मैंने इसके लिए कल ये सेरोलैक्स लाया था पप स्टार्ट का। तो अभी मैंने आज जब ये आया था ना वैक्सीनेशन होने के बाद, तो आज मैंने फिर इसको ये दिया था सुल्तान को, तो इनने आराम से खा लिया था। बाकी जो बच्चा बहुत सारा बन गया था मेरे से गलती से, जो बाकी बच्चा फिर मैंने ओली के बच्चों को दे दिया, क्योंकि ओली ये जो क्रिस्टी की बहन है ना, क्रिस्टी की बहन है ओली, मैंने उसको उसके बच्चों को दे दिया था सारा। और फिर उसके बाद वो भी बच गया था, वो उसके बच्चों को पिलाने बाद भी बच रहा था काफ़ी सारा, तो फिर वो मैंने क्रिश ओली को दे दिया, ओली खा गई थी आराम से इजीली, वो तो खा लेती है आपको सबको पता है। और ये सुल्तान उठ चुका है और अब भी हाफ रहा है, पता नहीं क्यों छुपक छुपक के पैनल के नीचे छुपक रहे, पैनल है इसके नीचे छुप के जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, अंधेरे में घुस जा रहा है बार बार। इसको पानी वानी पिलाया था, अभी दोबारा पिलाता हूँ इसको पानी, क्या पता इसे प्यास लग रही हो, और मैं इससे पानी पिला देता हूँ, क्या पता पी रहा है वैसे तो अभी धीरे धीरे। और ये क्रिस्टी आ गई है मुआयना करने ही मेरे बच्चे साथ, क्या कर रहे हैं, और ये आराम से अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत तो पी रहा है, गेर भी रहा है, अभी से आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों की। क्रिस्टी है ना, इसकी लड़ाई हो गई थी बिल्ली से, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसके दाने वाने भी हो गए हैं। एक मिनट रुक जा बेटा, क्रिस्टी रुक जा, दिखा नीचे, ये देखो इसके गले पे बहुत दाने वाने भी हो रहे हैं, यानी इसके जब से बिल्ली से लड़ाई हुई है ना, इसके यहाँ सारे में दाने दाने हो गए हैं। ये अभी कैमरे में सही से क्लियरिटी दिख नहीं रही है, पर सारे में दाने हो चुके हैं। तो मैं तो अभी एक मेरे पास स्प्रे पड़ा है, मैं वो देऊँगा, अगर उससे ठीक नहीं होता है तो फिर से डॉक्टर के लेके जाएंगे कल परसों। ये स्प्रे है, ये लगाऊंगा, अगर ये दाने वाने का पता नहीं रैशेस का, पर इससे थोड़ा बहुत पिछली बार हो गए थे इसके थोड़े दाने, तो मैंने इससे ही करता, पर इस बार शायद मुझे लग रहा है बिल्ली की वजह से हो गए हैं, पर पता नहीं ये ज़्यादा ही मतलब वो हो रही है, थोड़ी सी खुजली वुजली भी हो रही है, और पता नहीं इसके इधर आ क्रिस्टी, इधर तो आ बेटे इधर, हाँ बाइट करेगी, देखा कर 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 कर, तेरी इतनी औकात नहीं है, इतनी औकात मेरा औकात में। तो फिर अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कर देना, वीडियो को क्या बोल रहा हूँ मैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या इसकी नाक देख लो, जैसे पक्की होती है वैसी है।